अरे जल्दी चलो। हाय मैम, वेलकम बैक। राम ने पेपर साइन कर लिए, पापा की विल भी है, जल्दी कीजिए। हमें सब वेरीफाई करना होगा, प्लीज बी सीटेड। ये देखो तो बेचारा कब से बैठा है। साला देसी ठंडा पी पी कर पक गया। उधर देख। हेलो दोस्त, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सीता बैंक गई हुई है, किसी भी वक्त आती ही होगी, आज हमारी शादी है। हाथ में क्या बाबा, मंगलसूत्र? हाँ वही है, असली सोने का ना भाई? होगा, पता नहीं। अच्छा, अब उनकी बीवी के पास भी सेम टू सेम मंगलसूत्र था, पर बाजार में किसी चोर ने डाल लिया। ओ नो, तूने चोरी किया था ना बे? तुम यही रुको, रूपा चलो। अबे ज्यादा शाना मत बन, तूने चुराया ना? नहीं, मेरे अंकल ने दिया है, सीता को पहनाना है। क्या रे, शेंडी लगाता है? सीता बस आती ही होगी, आज सच में हमारी शादी है। रे, शाने दिन दाड़ी में चोरी करने क्या? उस डफर के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? छी, क्या बात है रे, तुमको देखकर लगता नहीं कि आज तुम्हारी दाल गलेगी। उसको पैसे मिल जाएंगे, बैंक में ही है वो इस वक्त। शुक्र है, जान छुटी रे। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कुत्ते की पूंछ वाला हिसाब। एक बात कहूँ मैम, राम के साथ आपने बहुत बुरा किया मैम। जल्दी पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर वो जिए या मरे मुझे क्या। सीता इस वक्त बैंक में है, अभी के अभी वहाँ चले जाओ, मैं सेटिंग कर चुका हूँ। किसको कॉल किया था, कौन था? अरे कौन था रे? ताश के खेल में अपने पत्ते किसी को नहीं दिखाता मैं, सुकून से देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हाय, कम टेक योर सीट। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं? आई नो। यहाँ साइन कर दीजिए, मैं ट्रांसफर के प्रोसेस शुरू करवाता हूँ। थैंक यू। आपका नाम? सीता। कितनी बार बताऊँ? पूरा नाम बताइए। वी सीता महालक्ष्मी। कैन आई हैव योर आईडी कार्ड प्लीज? आपके पिताजी की वसीयत के मुताबिक राम के अकाउंट से कोई भी ट्रांसफर बस उसकी धर्मपत्नी ही कर सकती है। जायदाद राम के नाम है और राम ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। वसीयत के मुताबिक आपको साबित करना होगा कि आप ही रघुराम शर्मा की पत्नी सीता रघुराम शर्मा है, और तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। प्लीज रूल्स के हिसाब से। घटिया रूल्स की वजह से मुझे शादी करनी होगी? तुम बैंक मैनेजर हो या शादी करवाने वाले एजेंट? जबान संभालिए मैडम, प्लीज मत बताओ कैसे बात करनी है। आखिरी बार कह रही हूँ, पैसे ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं? नहीं सर, मैम प्लीज। तुम्हारी बैंक को जलाकर राम कर दूंगी। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे पुलिस को फोन करना होगा। जिसको फोन करना है कर लो, मैं पैसों के बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। मैम नो। मैम, पैसे मेरे हैं, सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं, मेरे डैड, वो लॉयर, ये बैंक मैनेजर, तुम सब, सब के सब। मैम, सिक्योरिटी जी, हाँ बोला। सुनिए सीता जी, आप चलिए। चेक बाउंस, चीटिंग केस, शक्ल से तो भोली लगती हो पर कारनामे एक से बढ़कर एक हैं। अब क्या करोगे? जबान संभाल के। अगर तुम अपनी जबान पर टिकी रहती तो मुझे अपनी जबान संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब? मैं तो चेक की बात कर रहा था, तुमने कुछ और समझा? मुझे मेरे वकील से बात करनी है। नंबर 9444-687-123। हेलो सर, मैं सीता बोल रही हूँ। एक सुंदर सुशील अच्छे घर की लड़की। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम इतनी रात गए पुलिस स्टेशन से मदद मांगने के लिए लोगों को फोन कर रही हो। तुम्हारे प्रेमी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, एक नजर भर घुमाना। कार के साथ साथ मेरे घर का दरवाजा भी खुला है और मेरे दिल का दरवाजा भी। मेरा कमरा तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारी खिदमत में पूरी तरह से सजा हुआ है। फिर भी तुम मुझसे इतनी नाराज हो? चलो
सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करें? भाड़ में जाओ। मेरे प्यार की ताकत को तुम जानती नहीं सीता। दुनिया का कोई भी इंसान हमारे प्यार के बीच में आने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब तो बस भगवान ही हमें एक होने से रोक सकता है। अबे सही सलामत है ना? उसे जाओ। सीता तुम यहाँ हो तो तभी तुम मंदिर वापस नहीं आई। हेलो सीता मेरी जान। ए, कौन है ये लोग? ये लोग मंगलसूत्र के लिए मंदिर में एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे इसलिए ले आया सर। सीता ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, मंगलसूत्र तुम्हारा है, देखो मुझे कितना मारा। नहीं सर ये शानपट्टी दिखा रहा है, इसने ये मेरी पत्नी के गले से चुराया है, ये झूठ बोल रहा है सर। सीता ये झूठ बोल रहा है। मुंह बंद करो और वहां बैठ जाओ। सर आपने देखा इसने मेरा मंगलसूत्र छीना। केस रजिस्टर करो सेक्शन 463, 138, 361, 441 और 338 FIR भी फाइल करो। ओके सर। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पहले तुम्हें अरेस्ट कर लेता हूँ फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ आप सुनिए तो सही सर। लॉकअप में डाल इसे। ए सीता आजा आजा, तुम कौन से एरिया से हो रहे? ऑनलाइन के ऑफलाइन? एकदम कड़क दिखती है, अंदर आ बात करनी है। सर देखिए ना कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक डिसेंट फैमिली से हूँ। ओ सीता मैडम हम भी डिसेंट लोग हैं, फैमिली टाइप। आजकल तुम जैसे डिसेंट फैमिली वाले ही जेल में जाते हैं, देख क्या रहे हो। लॉकअप खोलो। According to Women's Protection Act, Section 46/4 and the Criminal Procedure Code 1973, सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी महिला को गिरफ्तार करके जेल में बंद नहीं कर सकते। कौन है ये? क्या करने आए ये? Hello sir, I'm रघुराम। मेरे अंकल ने कहा था सीता को मेरा ख्याल रखना और मुझे सीता का। ये लोग चोर हैं। ये दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं। क्या रे? पुलिस वालों को कानून सिखाएगा? हाँ सर। अगर उसने कोई गंभीर अपराध किया हो फिर भी हम उसे रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं ना? कर सकते हैं सर, अगर हालात ऐसे बन जाए कि महिला को गिरफ्तार करना जरूरी हो तो पहले किसी लेडी ऑफिसर को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। परमिशन मिलते ही अरेस्ट कर सकते हैं और उस लड़की को लॉकअप में बंद करने के लिए एक महिला पुलिस ऑफिसर का स्टेशन में होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ कोई महिला पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप सीता को अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उन दोनों डिसेंट लड़कियों को ऐसे बंद कर सकते हैं। कानून मत तोड़िए। पता है मैं ये रूल्स तुझसे बेहतर जानता हूँ लेकिन मैं उनका निवारण नहीं करता हूँ। इस पूरे इलाके में मेरे रूल्स चलते हैं, तू क्या उखाड़ लेगा बे? कानून के हिसाब से। बेटा प्लीज अपना मुंह बंद रख। पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस कानून बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। सही गलत का फैसला मैं करूंगा, गॉट इट? ये कायदे कानून का पाठ जाके किसी और को पढ़ा क्या समझा, मुझ जैसे को नहीं। तुझे कहा ना केस फाइल करके इसे लॉकअप में डाल। सर 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 ये मासूम है, इसकी बातों का बुरा मत मानो और सीता मैडम को छोड़ दो। मुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ये मासूम है या नहीं है, इसे बोल कानून अपने पास रख। डाल इसे अंदर। सर चल। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। अगर कोई सरकारी अफसर अपनी नौकरी का फायदा उठाकर कानून का दुरुपयोग करता है तो उसकी नौकरी तो हाथ से जाएगी ही, उसके साथ उसे 2 साल की कैद भी हो सकती है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। ये बंदे में दम ही जस्ट लाइक सिंगम, प्लीज गिव हिम द आंसर। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले इसे ठिकाने लगा देता हूं। ऐसे कुछ मत करो सर। मत मारो चक्रम, ये कानून के खिलाफ है। तू चुप करेगा भाई? सर सर देख देख कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। कट 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 कट। हमें बाहर निकाल दे, दरवाजा खोल। सुनते नहीं क्या? एक लंबी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए, कूल हो जाओगे। अरे तो अपना मुंह बंद रखना यार, मैं बात कर रहा हूं ना। अब जुबान खोली ना तो सबके सामने तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। करना मेरा एनकाउंटर, मौत से डरता नहीं है मैं, आज पहली बार किसी को तेरे पे भारी पड़ता देखा है। सर हिम्मत है तो मारना मुझे। ये भी कानून के खिलाफ है सर। ऐसे जी ने सर चलो हट जाओ। पहले सीता का मामला खत्म कर लेता हूँ। डर गया क्या? सीता 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 सीता। सीता थोड़ा उसको ऐसा दो कि जिंदगी भर तेरी धुलाई को भूल ना पाए और जब भी याद करो उसकी माइंड गीली हो जाए। Whoa!
ये अपन लोगों को गलती से मार रहा है या पहले से धोने का प्लान बना के आया था? ये शरीफ है बेचारा, ये कोई प्लान नहीं बनाएगा। हेलो हेलो सर, सीता को लेने को कोई लड़का आया है और वो एसआई साहब और बाकी पुलिस वालों की धुलाई कर रहा है। ए रुक बे, चल घुमा पुलिस स्टेशन ले जल्दी। अबे तेज चलाना बे। अबे ये सब इसका प्लान है। मंगलसूत्र दे, दे के जान छुड़ाता हूँ। थैंक्स। ऐसा है कहाँ पे? अरे आओ आओ महारथी। इनके गुणगान गा रहे। ये दो दिया बिना साबुन के दो दिया, छटक मटक कटक पटक 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 के दो दिया। भूटान से लेकर हैदराबाद तक सीता का मैंने कहां कहां पीछा नहीं किया ताकि मैं उसके करीब जा सकूं। अपनी सुहागरात की सजावट का सामान लाने के लिए मैं खुद चला गया। इन सारी तैयारियों के बाद तूने क्या किया? उस लौंडे से कुत्ते की तरह मार खाई, और वो भी अपने एरिया के अपने पुलिस स्टेशन के अंदर। सर, उसने एसआई साहब को बहुत धोया सर। धोबी जैसे कपड़े धोता है वैसे सर। हाँ ला तो। लाल सारी महंगी वाली, फूल फॉर द ब्लडी फूल। कांचीपुरम की प्योर सिल्क साड़ी, पूरे 3 लाख की है, एकदम मखमली है। इसे ले और पहन के घूम, तेरी बीवी को मत देना, ये तेरे लिए। ये वर्दी निकाल दे, इसके लायक नहीं है तू। मैं एक मर्द हूँ सर। अब तक मुझे भी यही गलतफहमी थी, लेकिन मर्द तो वो निकला। उस लौंडे को ठोक कर, सीता को पकड़ कर, अगर कल सुबह तक आपके पास नहीं लेकर आया तो क्या बे? ये साड़ी पहनकर खुद आ जाऊंगा सर। बेटा बॉल पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हे राम, सॉरी सर, ये बॉल तक नहीं पकड़ पा रहा है। देखिए मेरी दवाओं से एक हफ्ते में इसके जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मामला शारीरिक नहीं है, ये उदास है। इट्स साइकोलॉजिकल। आपके बीवी के बर्ताव ने इसके दिमाग पे गहरा घाव छोड़ा है। बेहतर यही होगा कि आप इसे अपनी बीवी से दूर ले जाएं। डॉक्टर, इस बेचारे का मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं इसे खुद से दूर नहीं भेज सकता। सर, 8 साल का बच्चा इतना दुखी होता है? अगर आपने राम को कहीं दूर नहीं भेजा तो इसे आप खो देंगे। राम और सीता के पिता बचपन से ही जिगरी दोस्त थे, लेकिन राम के माता पिता की अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और सीता की माँ राम को अपनाने से इनकार कर देती है। इसीलिए सीता के पिता राम को एक आश्रम में छोड़ने जा रहे हैं। ये रहे राम के मेडिकल रिपोर्ट्स, इसको हर दवा प्लीज टाइम पर देते रहना, इसका ख्याल रखना। राम, आंटी तुम्हें रोज रोज तकलीफ देती थी ना, लेकिन आज से वो कुछ नहीं कर पाएगी। तुम अब यहां रहा करोगे, अब से यही
तुम्हारा नया घर है। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना। नहीं बेटा, कभी भी ऐसा मत सोचना। तुम्हारे पास सीता है, सीता हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी सीता का ख्याल रखना है। ओ, लेकिन सीता मेरे पास कब आएगी? सीता अभी इतनी लंबी है ना बेटा। जब वो इतनी लंबी हो जाएगी तब आएगी। रितु, हाँ माँ, जाकर अंदर से साबुन लेकर आ। अभी नहीं माँ, मैं खेल रही हूँ। जा ना, तेरी छोटी बहन को ठंड लग जाएगी, तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे बेटा यहाँ मत खेलो, चोट लग जाएगी। संभल के। क्या प्रॉब्लम सर? हमारी पूरी बस्ती को तोड़ रहे, पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बस्ती पेपर्स है क्या? 25 साल से हम लोग यही रह रहे सर। पेपर्स है नहीं और चले आए इसे अपनी जगह बताने। साइड में करो सबको, साइड में हटो सब आगे से, हट जाओ। मैडम को रास्ता दो, मैडम को रास्ता दो, हट जाओ। हेलो हेलो, मेरा नाम है सीता। आपको तो पता ही होगा ये जमीन मैंने खरीद ली है पिछले 25 सालों से। तुम जैसे अंगूठा छाप लोगों ने इस जगह का फायदा उठाया है और अब ये मेरी है। एक्चुअली तुम लोगों ने व्हाट्स दैट वर्ड? हाँ वो गैर कानूनी कब्जा। एग्जैक्टली, किसी खाली जगह पर गैर कानूनी कब्जा करना जुर्म होता है। तुम सबको जेल में सड़ना चाहिए। कोर्ट से अभी कोई नोटिस नहीं आया, गुंडागर्दी है क्या? मनमानी करोगी आप? वो तो मेरा शुक्र मानो, 25 सालों का किराया नहीं वसूल कर रही हूँ। मेरी तरफ से एक तोहफा समझो, गिफ्ट लो और चलते बनो। एंजॉय, आई लव यू ऑल। कभी मुझे थैंक्स बोलने का मन करे तो मेरा नाम लेना, आपकी प्यारी सीता। तू सीता नहीं, सूर्पनखा है। थैंक यू। मरने के बाद नर्क में जाएगी। माय प्लेजर। हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही है, देख लेना हमारी तरह तो भी सड़क की ठोकरे खाएगी, मारी मारी फिरेगी, तब तुझे पता चलेगा। बद्दुआ देती हूँ, आज से तेरे बुरे दिन शुरू। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। थैंक यू। मैम, वो आपको बद्दुआ दे रही है, आप हंस रही है? बिजनेस में किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। जो खोता है वो रोता है, जब एक कमाता है तो दूसरा रोता है, दूसरा रोता है जब तीसरे को मुनाफा होता है। ये सब आज इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। दिस इज नॉर्मल, इट्स बिजनेस। गॉट इट। ¶¶
म्यूजिक। चले कहां पर? हमारा अग्रीमेंट भूल गई क्या? अग्रीमेंट? कोई प्रूफ है? यह बाबू। बंजारा हिल्स में वो जो विवादित जमीन है ना, जिसका मालिक अमेरिका में रहता है, सीता मैडम ने 50 करोड़ में वो जगह खरीद ली है। आधी रकम तो उन्होंने वो अपना मारवाड़ी सेठ चंदूलाल है ना, उससे लिया है। लेकिन अब बस्ती के लोग वहां से निकलने को तैयार ही नहीं है। अब आपको उन लोगों को वहां से निकाल कर साइड को खाली करवाना होगा। अगर आपको डील ओके है तो मेरा ब्रोकरेज 2% होगा। उसे अंदर बुला। हाय सीता, नाइस टू मीट यू। दुनिया के सारे दुख, गरीबों का दर्द, परिवार की तकलीफें सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक सुंदर लड़की का दर्द नहीं। इसे हवस कहते हैं। इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे जय बाबू हैं। बचपन में जब मैं जॉन्डिस की वजह से मरने वाला था, इन्होंने मेरे पिता को 5,000 रुपए देकर मुझे मरने से बचाया था। सदा इनका आभारी रहूंगा। आज तक अपने किए पर पछता रहा हूँ मैं। ये तो इनके प्यार दिखाने का तरीका है। मुझे तो नफरत दिखाई दे रही है सर। अगर एक मनुष्य की हम लगातार तारीफ करते रहें तो वो सीखना बंद कर देता है। अरे इन जैसे निंदा करने वाले लोग चाहिए हमें अगर लाइफ में तरक्की करनी हो। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी। मैं वहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हूँ। एक जमाने में मैं भी उसी बस्ती में रहता था। 200 करोड़ तक का मुनाफा होगा, उसमें से 10% तुम्हारा। मैं एक MLA हूँ, लोगों का वो क्या कहते हैं जयबाबू, लोगों का प्रतिनिधि। हाँ। जो तुम हरगिज नहीं हो। 20%। जरूरत से ज्यादा दौलत हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। मेरी 1,000 करोड़ की संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो क्या चाहिए? सौंदर्य, मेरी धर्म पत्नी सौंदर्य। मेरे सास ससुर अंधे थे जो इस बदसूरत का नाम सौंदर्य रख दिया। हर लड़का इसका रिश्ता ठुकरा देता था, कोई इसको पसंद ही नहीं करता था। पर एक न एक दिन किसी न किसी को तो इससे शादी करनी ही थी ना। तो फिर मैंने अपना बलिदान दे दिया। झूठ बोलता है कमीना, इसने खुद MLA बनने के लिए एक MLA की बेटी से शादी की और इसके बेचारे ससुर ने खुश होकर इसे अपनी MLA की कुर्सी दे दी। जय बाबू क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी के घर में एक से बढ़कर एक बदसूरत लोग हैं और उनका सपना था कि उनकी अगली पीढ़ी खूबसूरत हो और इसीलिए मेरे ससुर जी ने मुझे अपना दामाद चुन लिया। मैं तो बेचारा उनके स्वार्थ के आगे झुक गया। मैंने अपना पति धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए आज दो अनमोल रतन है मेरे। लेकिन मेरे इस प्यासे दिल को हमेशा से बस आप जैसी खूबसूरत परी की तलाश थी। इसकी नीच सोच को मेरा प्रणाम। 90% मर्दों की सोच ऐसी ही होती है जय बाबू। कुछ ही मेरे जैसे साफ दिल वाले होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? बस शादी की बात कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। देखा कैसे भड़क रही है। इसे तो बख्श दे रे बाबा, तेरे सामने तो भयंकर राक्षस भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ये बेचारी तो लड़की है। करेक्ट, तुम एक हसीन लड़की हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझसे शादी कर। ये शादी, कस्मे, वादे, ऑल दिस नॉनसेंस मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। तो चलो बिना किसी रिश्ते के साथ में रह लेते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 year? बहुत ज्यादा है। 6 months? 1 month? डन। अग्रीमेंट तैयार कर जल्दी से। मैम साइन करने के पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। हाँ साइन किया तो मतलब तुम मान गई थी। तुम जैसा भोंदू MLA कैसे बन गया? भोंदू? और ये भोंदू है या नहीं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तुम डील की बात करो। उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा था क्या? तो क्या, उस पर साइन तो तुमने ही किया था ना। एक लड़की ने MLA से मदद मांगी और उसने फायदा उठाकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया और इस सब में उसकी बुढ़ी बहन ने उसका साथ दिया। क्या कह रही हो, तुम किसे धमका रही हो जिसने तुम्हारा काम करके दिया? हाँ तो मांगी थी मैंने मदद, मुझे बस अपना काम निकलवाना था, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, जाओ यहाँ से। मैडम माफ रखो, मैं हैंडल करता हूँ। सर कॉम्पेंसेशन की रकम बताओ और इस मैटर को यहीं खत्म करो। अरे मैंने तो इसे डबल ऑफर दिया था, लेकिन इसके पास तो 1,000 करोड़ों की जायदाद है, बहुत बड़ा आदमी है ये।
सही कहा ना सर? बाप रे बाप, ये तो डमरू की तरह बजा रही है, तुझसे भी ज्यादा शानी निकली है। चुप, ये सब नाटक बंद करो, इस पर तुमने साइन किए है, अब चलो, मेरा दिमाग मत खिसकाओ। बाहर में गया अग्रीमेंट, जानते हो ये क्या है? ये है तुम्हारी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो। तुमने इनमें से दो वादे तक पूरे नहीं किए, अपने लाखों वोटर्स को दिन दहाड़े धोखा दिया है तुमने, अब एक मासूम लड़की से जबरदस्ती भी कर रहे हो। एग्रीमेंट गया तेल लेने रे, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। सीता, बचपन में मैं अपने बाप के साथ खिलौने की एक दुकान में गया था, वहां मुझे खिलौना भाग गया। मैंने अपने बाप से कहा मुझे वो लेकर दो, उन्होंने कहा नहीं बहुत महंगा है। दुकानदार ने कीमत कम करने से मना कर दिया, पर क्या है ना, मुझे तो वो खिलौना चाहिए था। उसी रात को वो दुकान चलकर खाक हो गई उस दुकानदार के साथ, लेकिन उसी आग में मेरा बाप भी चल बसा। आज पापा की बहुत याद आती है मुझे। कुछ पाने के लिए मैं अपनों की भी बलि चढ़ा सकता हूं, लेकिन वो खिलौना मुझे मिल ही गया, जैसे तुम भी मिलोगी शानदार जरी की साड़ी में, सर पर लाल बिंदी, मोगरे का कचरा बालों में, परी की तरह। I love you। मेरे एक बार बुलाने पर जो जो लोग यहां आए हैं उनका स्वागत मेरी तरफ से हमारे आदरणीय जय बाबू करेंगे। इस नीच के घटिया प्लान को अंजाम देने आप सब यहां आए, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। सीता का नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक नाले के ऊपर बन रहा है, ये दलील देकर एरिया का कॉर्पोरेटर होने के नाते तुम्हें उस पर केस करना होगा। लेकिन वहां तो कोई ड्रेनेज लाइन है ही नहीं। चलो एक लाइन खुदवा देते हैं। ओके सर। कोई भी टेक्निकल बहाना बनाकर उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक करवा दो। sure, उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मुझे हर ट्रांजैक्शन की मिनट बाय मिनट रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। सीता जो शॉपिंग मॉल बना रही है उसकी सारी परमिशंस रिजेक्ट कर दो। टाउन प्लानिंग ऑफिसर होने के नाते उसके सारे परमिट्स कैंसिल कर दो। क्यों सर? ये पैसा और प्रसादी वांटिंग ना, ज्यादा सोचने का नहीं। शॉपिंग मॉल के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है, कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। सीता की सारी गाड़ियां सीज कर लो जिनके इंस्टॉलमेंट्स बाकी। ओके सर। ये जनाब सीता के एरिया के एमएलए हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसे बस चुपचाप देखते रहना। ओके। समझ गए? ये मुरारी सीता के एरिया का सीनियर इंस्पेक्टर। अच्छा तुम हो, जल्द ही बस्ती वाले तुम्हारे पास कंप्लेंट लिखवाने आएंगे। हाँ सर। चंदूलाल सेठ। नमस्ते सर। सीता को कितना कर्जा दिया बेटा? पूरा 25 करोड़ रुपया दिया। ठीक है बेटा, उसे वापस मांग ले। 3 महीने का टाइम है साहब। इसमें से तेरी मनपसंद मिठाई कौन सी है? इमरती देखता ही मारे से रुकियो कौन जावे साहब। सेम पिंच। इमरती को देखकर कैसा लग रहा है तुझे? मारे मुंह में पानी आ रहे है साहब। अब कैसा लग रहा है? इमरती हाथ में तो आगे पर खा कौन पा रही हो? सेम पिंच। सीता के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा। मेरे पवित्र प्रेम को पाने के लिए सब मेरी मदद करो, यहाँ कोई टाइम पास नहीं चल रहा है। शुभ कार्य के आरंभ होने से पहले ही तुम लोगों ने विघ्न डालना शुरू कर दिया। हाँ नहीं हो सकता, कैसे करेंगे, रहने तो। क्या ही है? सुबह सुबह दिमाग की नसें फाड़ने में लगी। पूछना भूल गया, कोई और खाएगा क्या? सीता जी, जो 25 करोड़ को कर्जो थे हमारे से लिए हो वो मैंने वापस चाहे है। लेकिन अग्रीमेंट के हिसाब से तो मेरे पास 3 महीने का टाइम है। हाँ पर मन ने मारा पैसा अर्जेंटली वापस चाहे है। मैं जानती हूँ तुम्हारी अर्जेंसी है भैरवराज। मारा पैसा मन ने आज ही चाहे, नहीं तो थारो चेक मैं बैंक में डाल के पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। Who do you think you are talking to? सीता नाम है मेरा। मुझे चेक की धमकी दे रहे हो? तुम्हें चेक सिक्योरिटी के लिए दिया था, इस बात का फायदा मत उठाओ। साइट की डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ, हम बैंक से फाइनेंस लेंगे। ओके। नमस्ते सर। ए सुन। सर। सर। आ जाओ रे। फाइल लेकर आ। बोलिए सर। शुरू करो। तेरा नाम बता रहे? वीना रमेश। हाँ, उस सीता महालक्ष्मी मैम सब ने इनकी बस्ती में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया रे। हाउस ब्रेकिंग सेक्शन 445।
अब तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, जाओ आराम करो। रोना बंद करो। मेरा दिल और दिमाग दोनों लोहे के हैं। मुझे मात देना आसान नहीं है। चंदूलाल के 25 करोड़, बस्ती वालों को 2-3 करोड़ और पुलिस को 1 करोड़, लगभग 30 करोड़ चाहिए। आई नीड 30 करोड़। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे मैम? आपके लिए वाइजैक से फोन आया था। भैरवराज, नहीं, बुरी खबर मिली है, आपके पिताजी नहीं रहे। आप ठीक तो हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरवराज क्या कर पाएगा। सीता मैडम, आपके पिता श्री आनंद मोहन की वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टमेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माता जी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी, तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगल सूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए यह मंगल सूत्र आपका होता है। बस इतना ही है? ऊटी का टी एस्टेट वो आपको नहीं मिला है? बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स, बेंगलुरु का 2 एकर प्लॉट, मैनहट्टन का अपार्टमेंट? Nothing to you. Shipping industries, pharmaceutical shares, 150 करोड़ bank balance, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो किसके नाम क्या है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है, पकड़ो। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? Are you out of your mind? 500 crores, चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है, तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है, उनकी कमाई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक, दिखावा, ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ, तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। एक वकील को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? अंकल अंकल अंकल, सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी, पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना। सीता, मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाली हो। मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। Don't mess with me. तुम जानते नहीं What हो मुझे। What the hell do you think अच्छा? you can do? बताओ तुम्हें, बहुत देखे। मैडम, एक मिनट जरा साइड आइए, please. बहुत देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। सीधा नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। कैसा सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान? भूटान का एमएलए कौन है पता लगा? देवा क्या जनरल नॉलेज है? एमएलए एमएलए नहीं होते क्या वहाँ? क्या फर्क पड़ता है, वो अपना एरिया नहीं है, कहीं और अपना रॉब झाड़ना। एरिया चाहे कोई भी हो, मेरी पावर दिल्ली तक है, बस एक फोन कॉल काफी है। मेरे भोले भंडारी, भूटान भारत का हिस्सा नहीं है, एक फॉरेन कंट्री है, हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है रे, तेरे दिमाग जैसा। सीता वहाँ क्या करने गई है? बीस साल से राम यहाँ की हवा पानी परछाइयों से एक ही बात कहता आ रहा है, सीता एक दिन जरूर आएगी। तुम्हारे यहाँ आने की खबर मैंने उस तक पहुंचा दी है। राम, सीता आ गई। ढूंढे बस तुझको नजर, तेरी गली लेके जाए मुझे ये डगर, अखियों में है चेहरा तेरा, मेरे दिल जान में भी है तू बसी, निंदिया में तू सपनों में तू, मेरे अरमान में भी है तू छुपी, तुझसे ही है मेरी हर खुशी, तेरे बिन है क्या मेरी जिंदगी।
सांसों में बजे है तेरी सांसों की सरगम। आँखियों में है चेहरा तेरा, मेरे दिलो जान में दी है तू बसी, निंदिया में तू सपनों में तू, मेरे अरमान में दी है तू छुपी रा रा रा। अंकल ने कहा था तुम इतनी लंबी होने के बाद ही आओगी। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना है। सीता, ये तुम्हारी बचपन की बॉटल है, ये वो फ्रॉक है जो तुमने फर्स्ट बर्थडे पर पहना था। ओह नो, आपका तो बटन खुला है जी। सो क्यूट। थैंक यू। सीता, ये पहला आईना है, इस डॉल से तुम खेलती थी, ये तुम्हारी तब की फोटो है जब तुम सिर्फ 7 साल की। सीता, मैडम ये मंगलसूत्र आपका है? मेरी माँ का है। ओ। पता है क्यों मैं पापा से बात नहीं करती थी? क्या 50 करोड़ किस लिए? मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। हमारा बिजनेस है ना, उसे संभालो। नहीं, मैं खुद का करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें 50 करोड़ नहीं दे सकता, 7 करोड़ तक मैनेज कर सकता हूँ। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, 50 करोड़ नहीं दे सकते? चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें राम से शादी करनी होगी। राम कौन? ओ राम, माँ ने बचपन में बताया था कि आप जबरदस्ती उसको मुझ पर एक दिन जरूर थोपेंगे। तुम्हारी माँ हमेशा से उससे नफरत करती थी। Whatever. मुझे किससे शादी करनी है, कब करनी है, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ। मुझे बस 50 करोड़ चाहिए, आप देंगे या नहीं? राम से शादी करना वरना नहीं। 7 करोड़ हैदराबाद के घर के कागजात, कीज, जो जी चाहे करो, गुड लक। मुझे आपके गुड लक की कोई जरूरत नहीं, आई विल मेक माई ओन लक। सीता, तुम पर मोह माया का भूत सवार हो गया है, लेकिन पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी बेटे, उसे तुम बस एक मौका। बुलशिट, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है, I will never ever ever see that face। तो ये था पापा का प्लान, मंगलसूत्र मुझे दे दिया और सारी जायदाद उसे। पता है मैं अब क्या करूंगी? देखती जाओ। पापा ने सोचा तुम्हें प्रॉपर्टी देकर मुझे बेबस कर देंगे, प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। भाड़ में गई है वसीयत और तुम, सीता तुम्हें दिखाएगी अपना असली रंग। ए, क्या है? आराम से राम, कुछ नहीं हुआ है। सीता मुझ पे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? गुरुजी बात करेंगे राम, तुम शांत रहो। मेरे सामने नहीं चलेगा ये भोलेपन का ड्रामा, मुझे पता है जायदाद लूटी है इसने मेरी, 1-2 करोड़ नहीं पूरे 500 करोड़। बेटा, राम के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं। ओहो, और सीता के लिए इस राम की कोई अहमियत नहीं। ऐसे चीख कर बेचारे बच्चे को बेकार में डरा रही हो तुम। ताड़ के पेड़ जैसा लंबा चौड़ा है ये, आपको बच्चा दिख रहा है? पागल समझा है क्या? ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा, बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। लेकिन जायदाद चुराना आता है इसे, हाँ? चिल्लाओ मत सीता, तुम जो कह रही हो उसका जवाब कैसे देना है राम को वो तक पता नहीं, ये एकदम मासूम है बेचारा, इसका दिल एकदम नाजुक है बेटा, इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो सीता, तब ये तुम्हारी बात समझेगा। ये करो वो करो, कट द क्रैप, मुझे अपनी जायदाद वापस कैसे लेनी है ये मैं जानती हूँ, चुपचाप इसे सब कुछ वापस करने को कह दो वरना इसकी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ से। हे, इस सीता ने ना तुम जैसे बहुत देखे हैं, मासूम बनेगा ये ढोंग करना बंद करो, गॉट इट? मुझे सीता का ख्याल रखना है राम,
प्लीज उसे रोकिए गुरुजी। हेलो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और तुम किसी और को ढूंढने भूटान चली गई सीता। फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ, फॉलो करने से याद आया, मुझ जैसे फैन के साथ साथ शहर की पुलिस भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है सीता। पुलिस क्यों? इसके डिटेल्स तुम्हारा वो असिस्टेंट दे देगा। लव यू, मिसिंग यू। पुलिस कहाँ से आ गई? तुम्हें ढूंढ रही है, अपने बॉयफ्रेंड के पैसे लेकर भाग गई हो। केस किया है उसने? मुझ पे केस किया उसने? लेकिन राहुल ऐसा क्यों करेगा मैम? नहीं, आर यू किडिंग मी? ये क्या हो रहा है चक्रम? हेलो, चंदूलाल ने चेक डिपॉजिट कर दिया और बाउंस भी हो गया। पुलिस आपको अगले 48 घंटे में अरेस्ट करने वाली है, इसलिए हैदराबाद आते वक्त साथ में पैसे लेकर आना। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। गाड़ी घुमा सीता। पापा की अचानक मौत हो गई। वाइजैक के बीच पर सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक करते हुए अंकल को पहला हार्ट अटैक आया। मछुआरों ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन 7:40 पर आईसीयू में उन्होंने आखिरी सांस ली। तुम्हें पता है, दुख नहीं हुआ तुम्हें? जिंदगी एक खूबसूरत झूठ है और मौत है एक कड़वा सच। जिंदगी अनिश्चित है लेकिन मौत निश्चित है, यही जिंदगी की सच्चाई है। क्या नेक सोच है। ओहो, हर कोई नेक होता है, बस उन्हें पता नहीं है। क्या हम लोग एक ड्राइव के लिए जा सकते हैं? बाहर जाने के लिए बाबा की परमिशन लेनी होगी। एक घंटे की बात है यार। ओ नो, मैं रूल्स नहीं तोड़ता। पापा ने कहा था ना, हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी। हाँ कहा था। गुड, चलो। ओके, तुम यहीं रुको, मैं बाबा की परमिशन लेके आता हूँ। ए, 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 ओ, ओ। मेरे पापा ने क्या कहा था? सीता मेरा ख्याल रखेगी और मुझे हमेशा सीता का ख्याल रखना है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा ख्याल कैसे रखोगे? चलोगे मेरे साथ? हाँ, चलूंगा। अच्छा, निकलने का कोई दूसरा रास्ता? सीता राम को अपने साथ ले गई। फिलहाल 10:10 हुए हैं। ठीक 10:30 तक वो अच्छे से समझ जाएगी कि राम क्या चीज है। वो खुद उसे हमारे पास वापस लेकर आएगी, कुछ ही देर की बात है, तुम देख लेना। अभी 10:20 हुए हैं। रोज 10:30 मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। So cute. What is so cute? तुम्हें चाय पीनी है ना? भैया चाय की दुकान पर रोकना प्लीज। तुमने 2 घड़ियां क्यों पहनी हुई है? ये आपका टाइम है और ये मेरा टाइम। तुम्हारा टाइम मतलब? ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है, मेरी हार्ट कंडीशन रीड करता है, मतलब मेरा टाइम। ओह नो, 10:20 हो गए। मैं रोज 10:30 चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, और उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट लेता हूँ और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। कितनी बार बताओगे? सीता, कार इस वक्त 60 की स्पीड से चल रही है, मतलब हम एयरपोर्ट 10:40 पे पहुँचेंगे। मैं अंकल के साथ कई बार गया हूँ, पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर हम चाय का ऑर्डर देंगे, फिर वो वेटर ऑर्डर सुनेगा, चाय बनाएगा, चाय लेकर आएगा, फिर हम चाय पियेंगे, तब तक 11 बज जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तुम कभी एयरपोर्ट नहीं गई इसीलिए तुम्हें नहीं पता, मुझे 10:25 को चाय मिल जाती है और फिर मैं एग्जैक्टली 10:30 पहला सिप लेता हूँ। मैं रोज सेम टाइम
टाइमटेबल फॉलो करता हूँ। जरा सा भी डिले बर्दाश्त नहीं होता। टाइम मतलब टाइम, मुझे चाय टाइम पे चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे मेरी चाय चाहिए, चाय चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, ओके कूल कूल, हे हे, हां रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज काम डाउन, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आगे देखो। नहीं मुँह पे नहीं, चाय कप में और बटर बिस्किट प्लेट में। अपनी डिटेल्स अपने पास रखो। हो गया, अब चले। तुम ठीक से सुनती नहीं हो ना, अभी मुझे टैबलेट्स लेनी बाकी है। टैबलेट्स क्यों लेते हो? पता नहीं। हाँ? कब से ले रहे हो? जब से अंकल छोड़ के गए। 20 साल से ले रहे हो? इनका नाम क्या है? मैं नाम जानकर क्या करूँगा सीता, मैं हर रोज 10:20 को लाइब्रेरी जाता हूँ। एग्जैक्टली 10:30 को एक अटेंडेंट मुझे चाय और बिस्किट देता है, उसके बाद एक रेड टैबलेट और एक ग्रीन टैबलेट एक छोटी सी प्लेट में मेरे टेबल पे रखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर जी, मेरी पूरी की पूरी जायदाद हड़प के बैठे हुए हो। एक अटेंडेंट क्या 100 खड़े कर देंगे? 100 की जरूरत नहीं है सीता, एक ही काफी है। हाँ। अगर ये दवा नहीं ली तो मुझे पैल्पिटेशंस होने लगेंगे। What? पैल्पिटेशंस यानी कांपने लगोगे? नहीं, घबराहट सी होने लगती है। पैल्पिटेशंस की वजह से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। इसे अरेबिक में काफकान कहते हैं, जर्मन में हर्सक्लोफेन कहते हैं और तमिल में नेंजी थुड़िप्पु कहते हैं। तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती है? मुझे टोटल 26 लैंग्वेजेस आती हैं और फिलहाल 3 नई लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ। 26 लैंग्वेजेस बोल सकते हो? 2 टैबलेट्स का नाम नहीं याद है? याद रखने की जरूरत क्या है सीता, मैं हर रोज 10:20 को लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर एग्जैक्टली 10:30 को मुझे टैबलेट्स नहीं लोगे तो मर जाओगे क्या? पैल्पिटेशन शुरू हो गई, धड़कनें बढ़ रही हैं। बोलो सीता। राम जो 2 टैबलेट्स लेता है उनका नाम बताइए। नहीं बताऊंगा। देखो तुम राम को तुरंत यहाँ वापस लेकर आओ। नहीं लेकर आऊंगी, उन टैबलेट्स का नाम बताओ। अगर उसने वो टैबलेट्स टाइम पर नहीं ली उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मरता है तो मरे, आई डोंट केयर, मुझे बस अपना काम करवाना है। राम जल्दी उन टैबलेट्स का नाम बताओ। नहीं बताऊंगा। मैम राम की पल्स बढ़ रही है। मैम 85। शट अप, 85। नहीं बताऊंगा। मैम पल्स 90 तक पहुंच गई है, चलिए कुछ। जस्ट शट अप, मरता है तो मरे, अगर इसे कुछ हुआ तो उसकी वजह होंगे गुरुजी। मैम 92। शट अप, 92। पल्स रेट अगर 100 पार कर गई तो नर्व डैमेज के कारण उसकी जान जा सकती है। अगर ऐसा हुआ यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैम 95। बताता हूँ, रुको। पेपर पेपर। ओके। पंट्रो भाई को फोन लगा और स्पीकर पे डाल। हाँ बोल। सीता मैडम की असिस्टेंट केमिकल की शॉप पे गई है भाई। लेकिन क्यों? वो तो मुझे पता नहीं पर उसे देखते ही मुझे प्यार 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 हो गया। आई लव हर ब्रो। तू आ तो सही, तेरे प्यार का जुलाब निकालता हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट, इसको देख के मेरे अंदर का गुलाब खिलता है, इसका पीछा करूँ क्या? वहां से हिला तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। वहीं टिका रहे और उन पर नजर रख। भाई अभी अभी वो दवा के दुकान से निकली और अब लौंडे को दवाई दे रही है। ओह नो, आपका बटन खुला है जी। अभी क्या चल रहा है वहां? हवा चल रही है, मस्ती हो रही है, मस्ती के बाद सब चीज सस्ती हो गई, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं। अबे पता कैसे नहीं, तू उनको फॉलो नहीं कर रहा है? आपने कहा था ना हीलूंगा तो हड्डियां तोड़ देंगे, इसीलिए हम लोग हीले ही नहीं। तेरी तो उसको फॉलो कर। ओके मोटा भाई, तुम सीता भाभी को फॉलो करो और मैं उनकी प्यारी असिस्टेंट को फॉलो करता हूँ। भाई को बताना नहीं हो, नहीं तो बात ही गुल कर देगा। हम लोग का अबे ठक्कन, मैंने कॉल कट नहीं किया था। हाँ तो फिर काटना भाई। बोलो चक्रम। एजेंट ने फ्लाइट टिकट्स बुक करने से मना कर दिया मैडम। भैरवराज को पता है आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और फिर पुलिस आपको बाहर में गई। पुलिस और वो भैरवराज,
ऑनलाइन फ्लाइट टिकट्स बुक करो। आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। बैंक ने कहा है कोई टेक्निकल इशू है, सॉल्व करने में एक हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, मैं बाय रोड आऊंगी। एक बार वापस आने दो, फिर उसे दिखाऊंगी कि सीता क्या चीज है। समझ में नहीं आ रहा कि सीता को राम का पता कैसे चला। मैंने ही अपने असिस्टेंट के जरिए ये बात उस तक पहुंचाई है गुरुजी। आपने गलती कर दी। क्यों गुरुजी? सीता का चरित्र चालाकी, कपट, षड्यंत्र, स्वार्थ, नफरत, बुराई, झूठ और अहंकार से भरा हुआ है। उसके इस चरित्र को बदल पाना बहुत मुश्किल है। राम इन सब जज्बातों से अनजान है। मुझे तो डर इस बात का है कि सीता राम को कहीं चोट न पहुंचाए। उन दोनों को एक दूजे के करीब लाने के लिए ही आनंद मोहन जी ने अपनी वसीयत इस प्रकार लिखी थी। बस राम ही सीता को बदल सकता है। आप धीरज रखिए गुरुजी। लगता है एक्सीडेंट हुआ है मैम। रोड के बीच में कंटेनर पड़ा हुआ है मैम। हेलो, इधर सती बोलता है। उधर कौन बोलता है? इधर जय बाबू बोल रहा है, बोलो। गेंडा भाई नहीं है क्या? इधर ही है, आराम से दूसरों की मेहनत का फल ठूस रहा है। ट्रैफिक जाम हुआ है, समझे क्या? सीता कहाँ है और क्या कर रही है बता। ये गॉड, सीता सीता फुल डिटेलिंग, यू डोंट हैव अदर वर्क। सीता ईटिंग वाड़ा पाओ इधर। ट्रैफिक जैम, सब्र करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति की रक्षा करो, मेरे पति को बचा लो। ओ हेलो हीरो, कहाँ चले? उस एम्बुलेंस में एक पेशेंट फंसा हुआ है। हाँ तो तुम जाकर उस कंटेनर को हटाने वाले हो? हाँ। पता है कितना वजन होगा? 4000 किलोज। तुम हल्क हो या किंग कॉन्ग जो अपने हाथों से हटा दोगे? हटा दूंगा सीता, अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हाँ कौन छे? क्या थी अब यो छे? खुद को बाहुबली समझता है क्या? अकेला कंटेनर हिला रहा है। देखो कैसे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। So embarrassing. जाओ उस पागल को वापस लेकर आओ। मजाक बना रहा है, पूरी कायनात मदद करने आएगी। पागल आदमी। भाऊ, हाथी भाऊ। हाँ, तुम्हारा भाऊ एकदम हाथी जैसा है। शरीर से हाथी जैसा लंबा चौड़ा और दिमाग बेचारे का इत्तू सा। जय बाबू, ये क्या है? मौका मिलते ही आप मेरी खिंचाई करते हैं। हाथी के बारे में क्या कह रहा था बोल? भाभी जी लोंडे के साथ है ना भाई, वो हाथी के साथ कंटेनर हटा रहा है। ये तो क्या बके जा रहा है? यहाँ कोई जंगल और जंगली जानवरों की डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है और वो लौंडा कोई शेर है क्या? चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है मैम। ये सब बकवास है, नॉनसेंस। ये एलिफेंट क्रॉसिंग है, हर रोज पानी पीने के लिए हाथी यहीं से जाते हैं। कंटेनर उसके रास्ते में आया तो उसे धक्का दे दिया, सिंपल। उनके रास्ते में तो गाड़ियां भी खड़ी है मैम, तो उन्होंने उन गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया? शट अप, ड्रामा खत्म हो गया, चलो। तुम थक गए ना? नहीं तो। मैं तो थक गई, तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं? कशी पूरी आएगा? सीता! मैं वहां नहीं बैठूंगा, वो लड़की अजीब हरकतें कर रही है। क्या किया उसने? वो ना, वो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और कहीं नहीं। कहां बैठोगे? मेरी गोद में बैठोगे? आओ बैठो यहाँ। मेरा वजन कैसे झेलोगी? तो जाओ एक सीट लेकर आओ, जाओ यहाँ पर मेरे पास रख देना। ओके कंडक्टर साहब, सीता के पास बैठना है, एक सीट चाहिए। ये सीट चाहिए? ले लो, निकाल कर ले लो। शुक्रिया। ले लो।
ये क्या किया? What is this? आपके पास बैठने के लिए सीट उखाड़ दी मैडम। तुमने बस की सीट निकाल दी? तुम्हारे कहने पे किया ना सीता। इनकी बस का गियर उखाड़ने को कहूंगी तो उखाड़ दोगे? तो फिर जाओ। उखाड़ेगा? उखाड़ेगा? उखाड़ दो। मैडम मैडम पागल आदमी है ये कर देगा। मैडम मैडम रोकिए उसे। मैडम रोकिए उसे। मैडम प्लीज मैडम। मैडम मैडम लाइट्स। चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जब गई थी तब तो ठीक थी। एयर कंडीशनिंग। रोड से आई हो क्या? अरे हाँ बाबा। और ये कुतुब मीनार कौन है? यही वो पागल है जिसके नाम पापा ने जायदाद कर दिया है। सेंस नहीं है। इससे पेपर्स पर साइन करवाऊंगी और रास्ते पर छोड़ दूंगी। बैंक जाने का इंतजाम करो। मुझे सारे पैसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं। तुम इसे जल्दी रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। बोलो। 5:48 खत्म हो जाएंगे, सीता को अरेस्ट कर लूंगा। और अगर उसने तब तक पैसे वापस कर दिए तो? फिर गेम खत्म। अभी तो गेम शुरू हुआ है, कैसे भी उसे पैसे लौटाने से रोकना होगा। मुझे क्या करना है ये बताइए। जो करना है अब मैं करूंगा। तुम 5 तैयार रहना। ओके सर। तुम बस कानून का पालन करो। इडियट। आज तक कानून की धज्जियां उड़ाने वाला दूसरों को कानून का पालन करने का ज्ञान दे रहा है। आपके ताने सुन सुन कर सुइसाइड कर लूंगा एक दिन चाहे बाबू। ए, कम कम जल्दी चक्रम, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सीता okay. मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। चुपचाप बाहर वेट करो। सीता मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगा। मेरी बॉस तुम्हारे टाइम पास के लिए है। मैडम आप जाइए, मैं इसे देख रहा हूँ। क्रॉस चेक करो। या बैठो, तुम्हें एक सॉलिड काम देता हूँ। गिनो इन्हें। मैंने तुम्हें तुक्का मारने को नहीं कहा है, गिनने को कहा है। मैंने कहा ना गिन लिया। ठीक है मैं इन्हें गिनूंगा, और अगर 97 नहीं हुए ना। अरे आप गिन लो ना, 97 है। 95, 96, 97। आंखें बंद करो, खोलो, अब फिर से गिनो। पूरे 92 है। 97 में से मैंने 5 निकाले तो बाप रे, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम जरूर किसी मकसद से यहाँ पर आए हो। बताओ क्या करने आए हो। अंकल ने कहा सीता का ख्याल रखो। तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आपके पिताजी के जिस अकाउंट में 150 करोड़ है वो हमें फ्रीज रखना पड़ेगा। डैड ने पैसे राम के नाम किया है ना, वो साइन कर देगा। आप पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इतना आसान नहीं है मैम। अगर आपको अपने पिताजी के अकाउंट से पैसे रघुराम के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं तो आपको वसीयत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फिर लीगल डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। राम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद जो चाहे करें, पर फिलहाल आपको किसी अच्छे वकील की जरूरत okay. है। कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। आप 25 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी गारंटी राम दे देगा, तब तक मैं बाकी पेपर वर्क करवाती हूँ। राम गारंटी तो तब देगा ना जब उसके अकाउंट में कुछ भी होगा। मैडम सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। 150 करोड़ है उस अकाउंट में, 25 करोड़ नहीं दे सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं दे सकता। थैंक्स। ड्राइवर हो गया? कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा ये आसान होगा इसलिए इसको झेलती आई हूँ, लेकिन मामला उलट चुका है। एक लॉयर के साथ सारे कागजात तैयार करवाने पड़ेंगे। उफ, चलो। अच्छा, उस इंस्पेक्टर का फोन आया था, उसने कहा अगर आपने 5 तक चंदूलाल के पैसे नहीं लौटाए तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा। सीता डरती नहीं है, डर आती है। 5 तक का टाइम है, 4 तक उसको दिखा दूंगी। मैं समझ गया सर, डन। सब वापिस बोल बाबा। मुझे सीता का केस नहीं लेना है सर, और मुझे उससे ये बात सीधी तरह से नहीं करनी है, और उसे शाम तक लटकाए रखना है सर, और वो सब एक बार खत्म हो जाए तब तक उसे वेट करवाना है ताकि वो अटकी रहे। सिंपल। एकदम सही। और तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आप मुझे इसके पैसे दे रहे हैं सर, और अगर नहीं करूंगा तो मेरी लाश मेरे घर भिजवा देंगे सर। वैसे मैं मरने से नहीं डरता हूँ सर, बस पैसे से बहुत लगाव है। देखा ना आपने, मैं कैसे लोगों की मदद करता हूँ जय बाबू। फिर भी लोग मुझे गुंडा कह के पुकारते हैं। दुनिया कितनी बेरहम है। देख लेना, इन्हीं लोगों की वजह से एक दिन मैं समाज कल्याण छोड़ दूंगा।
अपने ससुर को पागल बनाकर विधायक बने, अब विधायक बनकर लोगों को पागल बना रहे हो, यही है तुम्हारी असलियत। तुम इनकी बातों में मत आना, तुम अपना काम करो। ओके, ये बिस्किट लेके जा रहा हूं, ठीक है? थैंक यू सर। नमस्ते भाई। सलाम भाई। हे, कॉल लगा तो उस गधे से बात कीजिए। बोल रहे लवर बॉय। अरे आई एम सेइंग नमस्ते नमस्ते लाइक पागल कूत्ता। साहब को नीचे उतर के हाथ तो मिलाना था ना। इसमें अगर इतने संस्कार होते तो एक लड़की के पीछे पूरे शहर को लगाता क्या है? अगर मेरी तारीफ खत्म हो गई हो तो उसे पूछो फोन क्यों किया। अरे बोला ना उसने, तुमने उसे नमस्ते नहीं किया। अरे हाँ नमस्ते नमस्ते। सीता बस वहाँ पहुँचती होगी, उसके असिस्टेंट आएगी क्या? एक और बार उस असिस्टेंट का नाम लिया ना तो तुम दोनों को साथ में ठिकाने लगा दूंगा। यू नॉट हैव फीलिंग फॉर माई फीलिंग, लीव मी अलोन। मेरा फोन काटता है साला। मैडम मैडम, सर एक इम्पोर्टेंट केस को लेकर बिजी हैं, खत्म होते ही आपको बुलाएंगे, आप बैठ जाइए। प्लीज हरी आप, मैं जल्दी में हूं। जी मैडम। सीता मैं बोर हो रहा हूँ, पढ़ने के लिए कुछ नया चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, पढ़ लो। पढ़ चुका हूँ। डेक्कन क्रॉनिकल, वो भी पढ़ लिया। ये वाला, ये भी पढ़ चुका हूँ। हमें आए सिर्फ 10 मिनट हुए, तुमने सारे पेपर पढ़ लिए? इसने 5 सेकंड में 100 पिन गिन लिए थे। न्यूज़पेपर क्या है, सब पढ़ लिए होंगे इसने। सर जी, उस लड़के को पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, आपके पास कोई बुक वुक है क्या? ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ सिर्फ लॉ बुक्स है। कोई नहीं, वो भी चलेंगी सर। अच्छा, ये किताब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ के ऊपर है, इसमें ब्रिटिश राज से लेकर आज तक जितने नए कानून बने हैं ना सबको समझाया गया है। ये लो भाई, अब यहाँ पर इससे अच्छी कोई भी किताब मुझे नहीं मिली, इसी से काम चला लो। ओके मैडम, बाहर कोई बैंक वाले आए हैं जो आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाबी कहाँ है? आपका नाम सीता है? Yes, what do you want? हम आपकी गाड़ी सीज कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से आपने गाड़ी की किश्तें नहीं भरी है। What nonsense? अपने बैंक मैनेजर से कहिए कि मेरे लॉयर से बात कर ले। Please get lost. तमीज से गाड़ी की चाबी दीजिए वरना हम। वरना क्या? कोई बात नहीं, हम टो कर लेंगे। इस गाड़ी की कीमत पता है तुम लोगों को? टो करने से ये महंगी कार डैमेज हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो फिर देखो मैं क्या करूंगी तुम्हारे और बैंक के साथ। तो फिर गाड़ी की चाबी दो। नहीं है मेरे पास। चाबी तुम्हारे बैग में, सीता दे दो ना। ड्राइवर ने तुम्हें पकड़ाई थी, तुमने बैग में डाल दी थी, दो ना इन्हें। भाऊ, लोन वाले सीता मैडम की कार उठा के ले गए। मैंने ही भेजा था उन्हें, वो निकम्मा है कहाँ? इधर ही जाए। इसको बोलो बाद में फोन करे, अभी कोर्ट करो। सीमा की ऐसी हटी की ठोक डालूंगा उसको, मारी खोपड़ी फरेली छे। बेटा तुझे पता है ना अभी तूने क्या किया? सीता भूल गई थी कि उसने चाबी कहाँ रखी है और मैंने उसे याद दिलाया। मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मुझे गुस्से से घूर रही है। तुम्हारा खून करने के बाद तुम्हें थैंक्स कहूंगी। मरने के बाद कैसे पता चलेगा सीता, कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझमें कॉमन सेंस नहीं है। ए, चल 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 करो, तुम आराम से बैठ जाओ, अभी हमें बहुत काम है, प्लीज बैठ जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। बेटा आप इधर आओ, आराम से बैठ कर अपनी बुक पढ़ो। कितना टाइम लगेगा? कहा ना मैडम, सर एक जरूरी केस में फंस गए हैं, वेट कीजिए। मेरे केस से ज्यादा जरूरी नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए मैंने सर को ऑलरेडी बता दिया है कि आप वेट कर रही हैं, उनके फ्री होते ही आपको बुलवा लूंगा, बैठ जाइए प्लीज। बादशाह मैडम को लस्सी पिलाओ बर्फ डाल के। मुझे नहीं चाहिए। सीता अब क्या यार, मुझे बाथरूम जाना है। तो क्या मैं साथ चलूं? नहीं मैं बस बता रहा हूँ। बेटा जो चाहिए मुझे बताओ। चक्रम मुझे बाथरूम जाना है। हाँ तो चलो ना, चलो। देखा कितना सिंपल था, शांति से, घबराने से कुछ नहीं होता है, किससे कैसे निपटना है बस आना चाहिए। चक्रम कितने अब
भाई तू ये भी फास्ट करता है क्या? कितना गंदा टॉयलेट है, एकदम गीला। पब्लिक टॉयलेट आमतौर पर ऐसे ही होते हैं बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है। किचन या टॉयलेट हमेशा सूखा होना चाहिए, वरना कीटाणु फैल जाएंगे और बीमारियां हो सकती हैं। तुम्हें स्कूल में कुछ नहीं सिखाया क्या? अब तुम्हारे लिए मैं टॉयलेट को सुखा तो नहीं सकता हूं ना? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे साफ सुथरा टॉयलेट चाहिए। वो दीवार देख रहे हो ना, साफ सुथरा है, वहां कर लो। उस दीवार पे सबके सामने, वहां तो लेडीज भी घूम रही हैं और बच्चे बेचारे मुझे देखकर क्या सीखेंगे? तुम जैसे लोग देश बर्बाद कर रहे हो, सिविक सेंस नहीं है क्या? सिविक सेंस की बात करता है पागल, मुझे टॉयलेट चाहिए। फर्स्ट टाइम इन लाइफ किसी को टॉयलेट चिल्लाते सुना, कहीं कोई टॉयलेट के कमोड में पहुंच तो नहीं गया। हेलो, ओ भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुझे टॉयलेट जाना है, कोई साफ सुथरा टॉयलेट है? सर आपके क्लाइंट्स के लिए और कोई टॉयलेट नहीं है क्या? अरे भाई ये किसी वकील का ऑफिस है, 5-star होटल नहीं है। तो मतलब यहाँ और कोई टॉयलेट नहीं है ना? हाँ है ना, लेकिन वहाँ सर के रूम में है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। अरे रुको, क्या कर रहे हो? ओए, ए, कौन था वो? सर, मैंने उसको साहब, वो लौंडा टॉयलेट कर रहा है, लगता है उसे जाना है। और ये जान के मैं क्या करूँगा बे? क्यों है भाई, जब कुछ ना बताए तो चिल्लाता है, जब कुछ बताए तो चिल्लाता है। आई थिंक इज मेंटल फेलो। तेरी बकवास मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। हाँ तो एक और बात सुन लो, इफ यू डोंट टॉक प्रॉपरली आई विल गिव इस्तीफा। अब तेरी तो। hey, कौन है रे तू? हाय अंकल, मेरा नाम रघुराम है, यहाँ सीता के साथ आया हूँ। सीता को किसी के पैसे लौटाने हैं वरना पुलिस उसे ले जाएगी। नाइस टू मीट यू। ये आपके साथ है क्या? हाँ, जिसके बारे में बताया था ये वही मुझे है। देर क्या हुई, इसे सीधा अंदर भेज दिया। नहीं सर, मैं बाथरूम यूज करने आया था। यू शट अप, अंदर आपका ही केस स्टडी कर रहा था। Actually, मैं और इसे अंदर भेज दिया, तमीज नहीं है क्या? नहीं सीता, तुम्हारा केस नहीं स्टडी कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। अच्छा, तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही कहा, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैंने देखा था। राम बस बहुत हुआ, एक और शब्द नहीं। अरे आप सीता से कहते क्यों नहीं आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, और तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना? मेरा नाम है रघुराम। My God, इन सब को धक्के मारकर बाहर सीता, ये गेम खेल रहा था। सीता सीता ये झूठ बोल रहा है, बात मानो सीता। ऑटो चलो, कितने मोटे हो गए हो तुम। Fatso, go to gym, man. Yeah. तुम चलाओ ना। You know, महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। साहब सामने सीता मैडम तो यहाँ से निकल गई, लगता है वकील से कोई खोटपट हुई है। सर भैरव राज का फोन है। हाँ। जी सर। मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए सीता शाम तक वहीं रहनी चाहिए। इतना समझाने के बाद भी वो चिड़िया वहां से उड़ गई। मेरी बात तो सुनिए सर। तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। क्या तो बैठो प्लीज। अगर सीता ने आज पैसों का इंतजाम कर लिया ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने पूरी कोशिश की सर, लेकिन सीता किसी पागल लड़के को साथ लेकर आई थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसने सबका दिमाग खराब कर दिया। मैं बस वहां खड़ा रहा, कुछ नहीं कर पाया, दिमाग घूम गया मेरा। तेरा दिमाग घूम गया? अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर देख लेना। क्या हुआ रे भैरव राज? गैस कीजिए। सीता फिर हाथ से निकल गई? कभी कभी आप पर ही शक होता है। अरे यार मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, बस कॉफी लेने अंदर गया था। मुझे माफ कर दीजिए जय, मैं आपकी कॉफी में जहर मिला चुका हूं। वैसे ये लौंडा है कौन? मेरे हर प्लान की धज्जियां उड़ा देता है। तुम सीता पर दबाव डालना चाहते थे, उसने तुम पर डालने वाला ढूंढा। कॉफी पी आपने? छोड़ दी रे बाबा। आई लव यू चाय बाबू। बैठ जाओ, 3 बज गए हैं बेटा, यहाँ जल्दी साइन करो। नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अंकल ने ये सब करने को नहीं कहा। तो क्या कहा था? उन्होंने कहा सीता को मेरा ख्याल रखना और मुझे सीता का। तुम्हारी सीता कह रही है साइन कर दो। नहीं करूंगा। साइन क्यों नहीं करोगे? अंकल ने नहीं कहा है, नहीं करूंगा। ओ नो, सीता को गुस्सा आ गया।
लंबी सांस लो और 10 तक गिनो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जय बाबू। अरे बाप रे। बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे एक महंगी साड़ी, चूड़ियां और गजरा खरीदना है। सिलेक्शन करने में हेल्प कीजिए ना। उनका अचार बनाओगे क्या? अरे 3:30 बज चुके हैं, बस 1.5 घंटे के बाद वो मेरे साथ होगी, मेरी हो जाएगी। तो तुम साड़ी का अचार डालोगे क्या? वो लाल साड़ी पहन के आएगी, फिर मुझे गरम दूध देगी। अरे जय बाबू, आपको पता नहीं आज मेरी सुहागरात है। अरे 5 बजने वाले, चलिए ना। अरे चलिए ना। 150 करोड़ के बैंक बैलेंस का क्या? तुम्हें राम से शादी करनी होगी। तू जरूर आएगी, जरी की लाल साड़ी में, सर पर लाल बिंदी, बालों में मोगरे का गजरा। मुझ जैसे फैन के साथ साथ शहर की पुलिस भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है सीता। ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा, बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। मुझे राम से शादी करनी होगी, आज ही तैयारियां शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, ओम भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब वर वधु को मंगल सूत्र पहनाए। इम्पोर्टेंट है मैडम, प्लान के मुताबिक कॉल कर रही हूँ। क्या? पर कब? जो करना है जल्दी करो मैम, 4 बज चुके हैं। ओ गॉड, मैं तो फंस गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ सीता? पुलिस मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेगी। काश तुमने उस कागज पर साइन किया होता, मुझे किसी के पैसे लौटाने। बहुत अच्छा ख्याल रखा है तुमने मेरा। नहीं सीता, गलती हो गई मुझसे, मैं साइन करूंगा। तुम यहीं रुकना, मैं बैंक जाकर उसे पैसे लौटाकर वापस आती हूँ, ओके? फिर शादी करेंगे। सच्ची बाबा, भगवान की कसम, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, ठीक है? मैम क्या हुआ? जल्दी करो, बैंक पहुंचना है। ओके, लेट्स गो। ओके, चलो चलो चलो, जल्दी करो। ओपन लाइट्स, वाटर। सीता, मुझे चोट लगी है, प्लीज दवाई लगाओ ना। फर्स्ट एड किट। चक्राम, तुम इसके लिए इतना भी नहीं करोगी? मुझे उसे नहीं छूना है, तुम लगाओ। बहुत दर्द हो रहा है क्या यार? छोटी सी चोट को लेकर इतना ड्रामा। ये तुम्हारे लिए लड़ा? मेरे लिए नहीं, वो खुद के लिए लड़ा है, अपनी ये बॉडी, अपनी ताकत दिखा रहा था, शो ऑफ कर रहा था। क्या कहा? तुम्हारे लिए जिंदगी दांव पर लगाई इसने? बॉस, कोई और लड़की होती तो ये सब देखकर इंप्रेस हो भी जाती, लेकिन सीता, नो वे। आपके कुछ बोलने का इंतजार मैं सुबह से कर रही थी। चिकन मसालेदार नहीं बना है। अरे चिकन छोड़ो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। जिस पंडित ने हमारी शादी करवाई थी उसे मारने के बजाय तूने बेचारी मुर्गी को ही मार दिया। क्या आपको सच में याद नहीं था? कोई पागल ही होगा जो ऐसी भयानक बातें याद रखेगा। आज मातम मनाना चाहिए, जश्न नहीं। क्या आप मुझसे खुश नहीं है? खुद का और खुशी का जिक्र कभी एक लाइन में मत करना, ठीक है? इसलिए आप सीता के पीछे पड़े हैं? मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? उसने मुझसे मदद मांगी और अग्रीमेंट साइन किया, और फिर उसने मेरे साथ साजिश की, धोखा दिया और भाग गया। इतना सब होने के बाद सीता को दोष देने के बजाय तू यहाँ बैठकर अपने पति पर उंगली उठा रही है। सालगिरह के दिन ये सब कर रही, यही सिखाया तेरे बाप ने? ये भाषण अपनी रैलियों में जाकर दीजिए, अगर उस लड़की का पीछा करना बंद नहीं किया तो क्या कर लेगी? मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, उसका फायदा उठा रही है क्या? ए, निकलो यहाँ से। मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी।
इंदिरा, मुझ जैसा पति मिला है ना तो भगवान का शुक्र मान, समझ गई ना? मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का तुझे छोड़ के चला गया होता। सुधर जा और ये झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। तेरे जैसे ड्रामे बस बहुत देखे हैं मैंने। अगर अपने बाप की धमकी दी ना तो मैं उसे जाकर कह दूंगा कि मेरी पीठ पीछे हमारे ड्राइवर के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और उससे इश्क लड़ाती है। छी, बातें हो गई तो यहाँ आओगे तुम? नहीं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी रजिस्टर करनी पड़ेगी। इसमें तो पूरा एक महीना लग जाएगा। रूल्स तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। कोई चक्कर चलाओ, काम हो जाएगा। बैंक में सर्टिफिकेट देने के बाद जल्दी वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, फिर अगले ही मिनट हम शादी को कैंसिल कर देंगे। पर डिवोर्स लेने में तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। ये डिवोर्स नहीं, कैंसिलेशन ऑफ वेडिंग होगा। और राम का क्या होगा? तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब मेरी डैड की वजह से हो रहा है। जाकर डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, जाओ। ए आओ साहब। ए उठ बे, पुलिस आई। अरे साहब क्या हुआ साहब? इन्हें लेकर आओ। ठीक है सर। चल चल अंदर, चुपचाप चल। साहब मैं नहीं करूंगा ये। अब नहीं करेंगे। चोरी करना तेरा पेशा था ना तो बेकार में शरीफ बने का ढोंग मत कर। दरवाजा खोल। चल। खोल नहीं रहा साहब। भागो, पुलिस आ गई यार। भागो, भाग जाओ मियां। चल चल, पेपर उठा और भाग। कमीनों, उनकी मदद करते हो? अब देखो तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। साहब छोड़ दो साहब। तुम दोनों से तो बाद में निपटूंगा। मेरी डोर पर पुलिस आ, निकलो। बेटा जल्दी आ, भाई जल्दी आ, बाहर निकल। चल 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 चल, चल जल्दी। सीता सीता क्या? सीता, किचन में मैंगो आइसक्रीम है, लेके आता हूँ। भाई तेरे को मैंगो आइसक्रीम चाहिए ना? यहाँ से निकलने के बाद 10 आइसक्रीम खिलाऊंगा। चल जल्दी चलिए चलिए। प्रॉमिस प्रॉमिस, अब चलो जल्दी चढ़ डार्लिंग, जल्दी चल चल चल। जल्दी जल्दी आओ। भाई ये फाइल्स पकड़ो। रूपा, कार का कवर निकालने में मेरी मदद करो। ये किसकी गाड़ी है बताओ चक्रम? तुमने बताया नहीं तुम्हारे पास गाड़ी है। हाँ चक्रम, मुझे भी नहीं बताया। पुलिस पकड़ ले फिर जेल में बताता हूँ। टॉपिक मत बदलो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता, I want an answer. तुम यह हजम नहीं कर पाती कि तुम्हारे वर्कर के पास गाड़ी है, इसलिए इतनी दूर पार्क करके ऑफिस चल के आता हूँ। तुम्हारी इंटरोगेशन खत्म हो गई, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। प्लीज गाड़ी को धक्का मारो। मैं धक्का मारूं? ऐसे बुरे वक्त में भी घमंड दिखा रही हो? सीता यार, वो तो ऐसी ही है। पहली बार कुछ नहीं कहा। चलो 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 जल्दी चलो। चलो 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 जल्दी। हाय हाय, आजा आजा। अरे ये डिसेंट फैमिली से है। कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे वाह, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। कोई मैंगो आइसक्रीम से भरा ट्रक नहीं ला रहे, हमारी बजाने आ रहे। ये क्या खटारा गाड़ी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। कम से कम मेरे पास गाड़ी है तो सही, तुम्हारे पास तो है भी नहीं। हाँ, तुम्हारी कार तो वो बैंक वाले उठा के ले गए ना। अम्मा, उसे घूरना बंद करो और चलो, पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो घूरेगी नहीं, सीधा काट डालेगी। अभी हमें 2 जरूरी काम खत्म करने हैं। पहला पैसा ट्रांसफर करना है और दूसरा मैंगो आइसक्रीम खरीदनी है। ओ भाई तू ठंड रखना। दूसरा, कल सुबह कोर्ट जाकर हमें मैंगो आइसक्रीम बेल लेनी है। पुलिस के पकड़ने से पहले तुम कोर्ट से बेल ले लो।
डार्लिंग जरा होटल जाने का रास्ता चेक करो। ओके मैप्स, शो मी द रूट टू हायत। द रूट टू हायत गो स्ट्रेट फॉर 100 मीटर्स एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट। सीता, ये मैप्स अमेरिका के हैं और तुम्हारे भूटान के। मैं हैदराबाद का चप्पा चप्पा जानती हूँ। यहाँ से राइट लेना है। सीता, मैप लेफ्ट बता रहा है। शट अप। ये कौन से होटल पहुंचा दिया? Wrong destination. सीता, ये बेचारी तो अब तक रास्ता बता रही है। इस तरह नहीं होगा सीता, ऐसे किक मारते। बस बस, यही हमारी बस्ती है। कल सुबह कोर्ट खुलने तक हमारी बस्ती में रह लो। इस बस्ती में? हाँ, आज रात इसी बस्ती में बितानी पड़ेगी। पुलिस आपको हर जगह ढूंढ रही है। हम सब आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे रह लेना। इसको मैं साथ ले जाती हूँ, सुबह सीधे कोर्ट ले आऊंगी, ठीक है? चलो। रुको। क्या कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ रहेगा, तुम किसी और को ढूंढ लो। कितने प्यार से पूछ रही है। शट अप। मुझे मार गोली, मुझे मार गोली, मुझे मार दे, मुझे मार, मुझे मार, मुझे मार गोली, मुझे मार, मुझे मार। अगर तुम लोग शराफत से यहां से नहीं हटे तो पूरी बस्ती को शमशान में बदल दूंगा। चला ना, पर तेरी यह गोलियां पहुंचने से पहले ही 100 से ज्यादा खंजर तेरे शरीर में होंगे। जिसने हमारी बस्ती उजाड़ के रख दी, तू उसी को बचा रहा है? अरे उसकी नहीं पड़ी है मुझे, ये बहुत भला इंसान है। इस दोस्त के सामने खड़ा रहने की हिम्मत की है इसने। ए, अपनी ये गोली अपनी जेब में डाल और यहाँ से चलता बन। मुझे मार गोली, मुझे मार गोली, मुझे मार गोली, मुझे मार गोली। सर, बस्ती वालों से पंगा मत लीजिए, प्लीज सर, चलिए निकलते हैं यहाँ से, जाने दीजिए सर, प्लीज सर। शट अप। सर, मिलेंगे नहीं? नहीं सर, वो लोग उस बस्ती में घुस चुके हैं, हालात सही नहीं लग रहे हैं सर। सीता के केस की सुनवाई कल सुबह है। कोर्ट जाकर वो बेल लेने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके कोर्ट पहुंचते ही तुम उसे अरेस्ट कर लेना। कोर्ट के बाहर नजर रखना और जैसे ही वो तुम्हें दिखाई दे तबोच लेना उसे बिना वक्त गवाए। रुको, कोर्ट में काम है सर। क्या कर रहे हैं तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? ये सवाल के ऊपर सवाल मत करो। मेरा क्वेश्चन अगर आप करोगे, जवाब कौन देगा? जज देगा क्या? पहले से दिमाग गरम है मेरा, और गरम मत कर। So keep your दिमाग in the freeze ना। अभी बताओ यहाँ कौन कौन आने वाला है? सीता और वो बिजली का खंबा। और सीता मैडम की असिस्टेंट? पता नहीं। सीता को कोर्ट के बाहर ही अरेस्ट करोगे क्या? कर लूंगा। और उनकी असिस्टेंट को? गधे, उसकी असिस्टेंट से मुझे क्या? और उस खंबे को? गोली मार दूंगा। और सीता मैम की असिस्टेंट? एक शब्द और बोलो तो यही ठोक दूंगा तुझे। ये गुस्सा यू सो इन योर रेलवे स्टेशन। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उनकी असिस्टेंट व्हाट टाइम अराइवल? भैरव राज का आदमी है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। यू आर ऑल्सो पुलिस वाला, दैट्स वाई आई एम लीविंग यू। अगर मेरी जानू को खरोज भी आया ना तो रेडी लगवा कर पूड़ी छोले बिकवाऊंगा, फिर गाना डे नाइट। बम बम बोले ले लो पूड़ी छोले, ए बम बम बोले ले। ये कैसा पुलिस वाला है? अच्छा गाना सुन के भी मारा। चल मेंटल खेलेगा। चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन मेरे लोग तैनात हैं। जो करना है जल्दी करो, अगर उसे बेल मिल गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कोर्ट में घुसने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लूंगा, मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ सर। चौकन्ने रहना। हाँ सर। इंस्पेक्टर नमस्कार। क्या रे इंस्पेक्टर, चौक गया ना? इंस्पेक्टर सर, हाउ आर यू? ये लोग अंदर कब पहुंचे? रात को सर। कितने पैसे खिलाए इन्होंने तुझे? ये पैसे खाने की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सर। ए,
मार मार के हड्डियां अलग कर दूंगा। सर मैं कोर्ट का कर्मचारी हूँ, आप ये वर्दी करो बाहर पब्लिक पर झाड़ना, मुझ पर नहीं। मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचता और ये सारे लोग मेरे बस्ती के हैं सर। हाँ बोल। ये लोग तो कल रात से ही कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। बच गए। श्री राम जी को भी परेशानियां हुआ करती थी। नहीं रे भैरव राज, भगवान का नाम लेना तुझे शोभा नहीं देता। ऐसे ही हमेशा मुझे ताने देते रहो। थैंक यू। साला इसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सीता का वकील तू है? हाँ? सर मैं कौन हूँ जानता है? हाँ सर। हाँ ना, और भैरव राज को भी जानता ही होगा। हाँ, सर सारी वकालत निकालूंगा तेरी। चक्रम हमारा वकील कहाँ है? वो देखो आ गया। सॉरी मैडम, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। लेकिन क्यों? मुझे अपनी जान प्यारी है मैडम, फालतू में टेंशन नहीं लेना चाहता। लगता है उस वकील ने धमकी दी है इसे। हालात समझिए मैडम, मेरा भी घर परिवार है। सॉरी। सुनो बाहर से कोई वकील लाओ, चाहे जितने पैसे लगे। ओके गो। सर वो सीता मैडम का चेक बाउंसिंग का केस है, क्या आप लड़ेंगे उनके लिए? सीता मैडम का केस? नारे बाबा माफ करो। चक्रम मूंगफली ले क्या? थोड़ी देर रुक जाओ। सर सीता मैडम का एक छोटा सा केस है। ना सामने? हाँ। फिर नहीं लड़ूंगा। चक्रम मूंगफली। पांच मिनट रुक जाओ मेरे बाप, मूंगफली से ज्यादा जरूरी लॉयर है। मैडम एक छोटा सा केस है। सीता मैडम का केस है? नहीं सर, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। चक्रम मूंगफली लेते हैं ना। बोलो। सुना तुम्हारा वकील भाग गया, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बाहर देखो, गाड़ी का दरवाजा खुला है, मेरे घर का दरवाजा खुला है, मेरे दिल का दरवाजा भी खुला है। आ जाओ ना, तुम्हारे हर मर्ज की दवा मेरे पास है। सबने मना कर दिया, सब डरे हुए हैं। अब क्या करें? तुम अगर हाँ कहो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा लॉयर है जो तुम्हारे लिए केस लड़ सकता है। कौन? राम। दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को, वकील ढूंढना पड़ेगा। Are you mad? वो आधा पागल है, तुम क्या पूरे पागल हो? यहाँ किसी भी वकील को कानून की इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी उसे है। उस दिन पुलिस स्टेशन में देखा था ना। Is this a joke? गड़बड़ हुई तो? वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। So? वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें बचा ही लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तुम बस सड़को देखते जाओ। ओके जज साहब आ गए हैं, सब खड़े हो जाए। श्रीमती सीता महालक्ष्मी जी, श्रीमती सीता महालक्ष्मी जी। चक्रपाणी जी आप शुरू कीजिए। श्रीमती सीता महालक्ष्मी यानी इन्होंने सेठ चंदूलाल बंसीलाल जी से पूरे 25 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जब एकदम शांत स्वभाव वाले मेरे क्लाइंट चंदूलाल बंसीलाल जी ने जब कुछ निजी कठिनाइयों की वजह से सीता महालक्ष्मी जी से पैसे वापिस मांगे तो उनके चेक बाउंस हो गए। इसीलिए सेक्शन 138 और 420 क्रिमिनल ऑफेंस सेक्शन के तहत इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सीता जी आपका केस प्रस्तुत करने के लिए कोई वकील है? यस योर ऑनर। हेलो, आपकी तारीफ, कहां से आए? मेरा नाम रघुराम है, सीता का केस आज मैं लड़ूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कैसे लड़ सकता है? ये कोई लॉयर है क्या? बार काउंसिल का मेंबर तक नहीं है, ये कोर्ट है या सर्कस? The Advocates Act Section 32 mentions that the court may allow any person to appear in any particular case even if he or she is not an advocate. मतलब अपनी या किसी और के केस की सुनवाई करने का सबको अधिकार है, फिर चाहे वो वकील हो या ना हो। सेक्शन 32 में ये साफ लिखा है। मिस सीता, क्या ये आपका केस लड़ेगा? जी हाँ। चक्रम सीता चाहती है मैं उसका केस लड़ूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर रघुराम यू कैन प्रोसीड। ओ भाई शर्मा बाद में लेना, पहले केस लड़ जाकर। क्या हुआ? जल्दी कीजिए, 10:30 बज चुके हैं। ओ अच्छा 10:30 बज गए हैं। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ दो बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ।
फिर से कहिए। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। मेरे भाई पहले केस लड़ ले, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, फिर तुझे एक नहीं दो दो चाय पिलाऊंगा। मुझे दो नहीं एक ही चाय चाहिए, वो भी अभी। मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय दे दो, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय पिला दो, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। सीता जी ये क्या बेहूदापन है, ये कोर्ट है कोई चाय की दुकान नहीं, और कोई होता तो उसे अरेस्ट करवा देता। मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, आपके पास आधा घंटा है, जाकर कोई अच्छा वकील लेकर आइए, जाइए जाइए। हटो, चाय चाहिए ना, चाय चाहिए ना, ये लो, चाय नहीं पी तो मर जाओगे ना, और लो। तुम किसी के काम आने लायक नहीं हो, मेंटल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा, मर जाओ। हाँ जी बोलिए, कोई वकील मिला या नहीं? यस मी लॉर्ड। ठीक है शुरू कीजिए। है रुको, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, और आप लोग जाइए यहाँ से। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने चेक इशू किया था, ये सच है, और वो चेक बाउंस हो गया ये भी सच है, लेकिन एक अच्छे घर की महिला होने के नाते, जिनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनको कम से कम सजा दी जाए, मैं इसकी दरख्वास्त करती हूँ। क्या बक रही हो, ये बिल्कुल सही रहेगा, वरना ये लोग तुम्हें 2 साल की जेल के साथ फाइन भरने को भी कहेंगे, इसलिए यही रास्ता है हमारे पास, और वैसे भी सामने वाले लोग बहुत शक्तिशाली है। What? According to the Negotiable Instrument Act 1881, under Section 138, it is clearly mentioned that the payee has to resubmit the check within the 3 months from which it is dated. और साथ में Ms. Sita और Chandulal जी के agreement के मुताबिक उनको चेक सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। सीता जी के पास पूरे 3 महीने थे पैसे लौटाने के लिए, लेकिन चंदूलाल जी ने अग्रीमेंट का पालन ना करके चेक। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रघुराम ने जिन भी सेक्शंस का उल्लेखन किया है वो सारे सेक्शंस कानून द्वारा स्वीकृत हैं। सीता महालक्ष्मी के खिलाफ इश्यू किया हुआ अरेस्ट वारंट रद्द कर दिया जाता है। चंदूलाल जी ने जानबूझकर चेक पहले जमा करवा दिया, और उनके वकील ने इसका गलत फायदा उठाकर सीता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया। आप एक नामचीन वकील हैं, बेहतर होगा अगली बार उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। वाह क्या बात है भाई, लगता है भूल गए केस को, आप हार गए। हाँ यो इतना अच्छा लड़ रहा था कि भूल गया कि वो केस मारा है। बिल्कुल सही कहा, बजाओ ताली, बजाओ बजाओ। रघुराम जी की जय, रघुराम जी की जय। नाम तो सीता है उसका, लेकिन उसकी हरकतें देखकर हैरान था मैं, लेकिन अब समझ में आया कि उसके साथ राम भी है। मेरी बात मानो, लंका दहन होने से पहले जाकर माफी मांग लो। मेरी बराबरी रावण से कभी मत करना चाहे बाबू, बहुत दुख होता है। श्री राम ने धनुष उठाकर सीता को हासिल किया था, वैसे ही मैंने भी सीता की मदद करके उसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फायदा उठाकर मुझे फेंक दिया। मुझे लगा तो सीता को मेरे लिए ले आएगा। सीता के साथ जो विलन है उसका नाम क्या है? राम। राम नाम रखने से कोई श्री राम नहीं बनता। ये नोट के बंडल उठा। और ठोक डालो से। नहीं सर, वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान? तुझ जैसे पुलिस वालों और मुझ जैसे नेताओं को इंसानियत दिखाने का नाटक नहीं करना चाहिए। तू तो हमारी पूरी कौम को ही ले डूबेगा बे। वो लड़की आपको बार बार ठुकरा रही है सर, और आप फ्रस्ट्रेट होकर ये सारे कारनामे कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ओ, तो वो कैसा है? वो लड़की उसकी इज्जत उछाल रही थी, उसकी जगह मैं होता तो वही शूट कर देता। उसने तो हमारी खाट खड़ी कर दी थी, तो वो लड़की उसके सामने क्या चीज है सर, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो एक असली मर्द है, और मर्द वही है जो औरत की इज्जत करना चाहता है। आप जैसा नहीं है सर। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले गली के कुत्ते, अगर तू उसे नहीं ठोकेगा तो मैं ठोकूंगा। उठ यहां से। हम
लगता है मैंने एक सड़क छाप गुंडे को अपना दामाद ही नहीं एक एमएलए बनने का भी मौका दे दिया है। इस सड़क छाप गुंडे ने आपको अपना ससुर बनने का मौका दिया है। अपना सोचने का नजरिया बदलिए ससुर जी। मुझे शुरू से पता था कि तू एक कमीना है, लेकिन तू इस हद तक गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। अब ये सब बातें करने का क्या फायदा ससुर जी? मेरा नाम भैरव राज है। सड़कों पर घूमने वाला एक खूंखार बैल, त्योहारों के समय एक सजा सवरा बैल, और भगवान शिव जी का नंदी बैल। भले ही नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन जानवर तो एक ही है ना। मैं भी वैसा ही हूं, समय के साथ और हालात के मुताबिक बदलता रहता हूं। भोजन करेंगे? ए श्रीमती जी, आदरणीय ससुर जी आए हैं, बिरयानी तैयार करवाओ, नहीं तो कहेंगे कि खातिरदारी में कमी रह गई। तो तू उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा? शुक्र मानिए, आपकी बेटी को नहीं छोड़ रहा हूं। क्यों, सही कहा ना जय बाबू? छी, मुझे वापस कोई ताना दो जय बाबू, आपकी खामोशी सही नहीं जाती। विभीषण लंका छोड़कर जा रहा है। मलंग बाबा, मुझे राम के लिए खतरे का एहसास हो रहा है, तुम तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो। ठीक है बाबा। हे, किधर देखा? आ देखते हैं। पापा के साथ मिलकर सबने मुझे हराने की कोशिश की थी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप देखने आए हैं कि मैं बच कैसे गई। नहीं, जिस लड़के ने तुम्हें बचाया है मैं उससे मिलने आया हूँ। ठीक है, वो बास्केटबॉल कोर्ट में खेल रहा है, जाइए मिल लीजिए, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारे पास टाइम के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। जिस लड़के ने तुम्हें ये केस जितवाया वो तो बचपन से सिर्फ जीतता ही आ रहा है। माधुरी, हमारी जमीन से मैंगनीज निकला है, अगर हम जमीन की और खुदाई करेंगे तो हमें और पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे गहने बैंक में गिरवी रख दे तो। हाँ, मुझे भी गिरवी क्यों नहीं रखवा देते? क्या कह रही हो? मैं, ये गहने मेरी माँ के दिए हुए हैं, बीवी के गहने गिरवी रखवाना चाहते हो, शर्म नहीं आती? चाहे तुम्हारा धंधा बंद हो जाए, भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं अपने गहने गिरवी रखने नहीं देने वाली। तुम्हारी माँ की ये बात सुनकर तुम्हारे पिताजी के सारे सपने चूर चूर हो गए। पैसों का इंतजाम कहां से होगा ये सोच ही रहे थे कि उनके जिगरी दोस्त की बीवी यानी राम की मां ने अपने मंगलसूत्र के साथ अपने सारे गहने उन्हें सौंप दिए। आप दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, अगर कल इन्हें आपकी जरूरत होगी तो क्या आप इनकी मदद नहीं करेंगे? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, ये ले लीजिए। नहीं भाभी, राम की माँ ने उन्हें जो गहने दिए थे उन गहनों से आनंद मोहन की किस्मत बदल गई, वो मैंगनीज एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन एक एक्सीडेंट में राम के माता पिता की मौत हो गई। पति के होते हुए इसकी माँ ने मंगलसूत्र उतार दिया था, भगवान कैसे माफ कर देता? मुझे लगता है वो अपने पति से तंग आ चुकी थी। ऐसी करतूते करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ यही सलूक करेगा, और अब आप भी उनकी इस कलंक के तौलाद को यहाँ उठा लाए। राम तुम्हारे पापा के लिए बहुत लकी साबित हुआ, दिन प्रतिदिन कमाई बढ़ने लगी, वो 8 देशों के साथ व्यापार करने लगे, उनकी आमदनी लाखों से करोड़ों में चली गई। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय। हमारे कमाए पैसों से मैं ये गहने खरीद कर लाई हूँ, अच्छे है ना? जरूरत पड़ने पर तुमने मदद नहीं की थी, इसकी माने की थी, इसलिए आज हमारी जायदाद पर पहला हक राम का है। मैं एक मामूली मैनेजर था और तुम एक मैनेजर की बीवी थी, ये गहने पहनने का तुम्हें कोई हक नहीं, उतारो इन्हें, उतारो। उतारे ने, बेशरम कही की हम जो कुछ है इस कलंक की वजह से है, मुँह क्या देख रही है, जल्दी उतार। रुको, इसके गहने क्यों उतार रही हो? ये बड़ी होकर राम से शादी करेगी, सीता को ये गहने पहनने का पूरा हक है। तुम्हारी माँ को लगा कि राम की वजह से ही तुम्हारे पिता का बर्ताव बदल रहा था। आपकी बीवी के बर्ताव ने इसके दिमाग पर गहरा घाव छोड़ा है, बेहतर होगा कि आप इसे उनसे कहीं दूर भेज दें। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? और वो मंगलसूत्र तुम्हारी माँ का नहीं है, राम की माँ का है, ये सारी जायदाद उसके माँ की वजह से है, उसका हक है इस पर।
तुम्हारे पापा सिर्फ एक मैनेजर होते थे और तुम सिर्फ एक मैनेजर की बेटी थी, बस और कुछ नहीं। और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो पैसे और जायदाद सौंपी थी, बस सिर्फ वही तुम्हारा था। उनकी जमा पूंजी सिर्फ वही थी। मैम, नीचे राम को कुछ लोग मार रहे हैं। व्हाट? ए, इसे मार क्यों रहे हो? हाँ क्यों, बहुत प्यार आ रहा है। जिस तरह तुम्हें वो पसंद है उसी तरह तुम भी मुझे पसंद हो, और वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। ठोक तो साले को। रुको रुको प्लीज, मत मारो। अच्छा नहीं मारे, जरा लेफ्ट में देखो, गाड़ी का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा भी खुला है। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मारो साले को। नहीं नहीं, रुको, मत मारो, मत मारो उसे, रुको, राम, तुम उन्हें मारने क्यों दे रहे हो? तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? नहीं सीता, किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है। वो तुम्हें मार रहे हैं, उसका क्या? हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब हम शांति चाहते हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है। इसने तो रुला दिया यार। सीता को हासिल करने के बाद जो किताबें इसने बचपन में पढ़ी है, मैं वही खरीदूंगा। एक मेरे लिए और एक सीता के लिए। वो कुछ कर नहीं रहा तो उसका फायदा उठा रहा है। मेरे को चप्पल मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीता, तुम ठीक तो हो ना? मेरे अंकल ने कहा था सीता को मेरा ख्याल रखना और मुझे सीता का। क्या रे, मारेगा? मुझे मारेगा? मार के दिखा। मैं सीता को हाथ लगाने को नहीं बोला बे उल्लू। नहीं मैम, आगे मत जाओ मैम, मैम रुक जाओ प्लीज। मारना, आजा आजा। ऐसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अरे दम है तो हाथ लगाना। क्यों, फट गई क्या? मर नहीं है क्या? जवाब दे। क्या कहा? ये मर्द नहीं है क्या? नहीं है। ए, तू मर्द नहीं है क्या? अरे वाह, जरा शांति रखो। इस मोटू की मर्दानगी को ललकारा इसने। ललकारा है इसकी मर्दानगी, पछता है। ये मर्द नहीं लगता। नहीं लगता। बोला था ना मैंने, क्या है तेरी तो मैं। इतने अच्छे इंसान को तुम्हारी वजह से मारना पड़ रहा है, पाप तुम्हें चढ़ेगा, याद रखना। वन स्मॉल क्वेश्चन, तुम्हें कोई मारे तो वो तुम्हें बचाने आ जाता है, लेकिन उसे कोई मारे तो तुम आओगी? नहीं आओगी ना, स्वार्थ। स्वार्थी हो तुम। ए, क्या चिल्लाने से ही उठ जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं भी चिल्लाता हूं। उठा क्या? नहीं ना, इसलिए तुझे इसकी जायदाद चाहिए और मुझे तू सीता। चल घर आजा, सब सेटल करते हैं।
राम। तू इस कहानी का असली विलन है रे, और तूने खुद को हीरो समझ लिया। अगर सिर्फ डोले शोले बनाने से कोई हीरो बन जाता ना, तो हर जिम में कम से कम 25-30 हीरो होते। लेकिन इस पिक्चर का असली हीरो तो मुझ जैसा सिंसियर प्रेमी होना चाहिए, है ना? राम, राम। लो हीरोइन भी आ गई। क्या हुआ? मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज जोड़ती हूँ। इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। अरे यार देखो, तुम इसके लिए अपना कैरेक्टर मत बदलो, हाँ? ना ही मेरे लिए, ना ही भगवान के लिए। अब चलो, देखो तुमने जुबान दी थी, हाँ? प्लीज, ये मर जाएगा। तो फिर जल्दी चलो, बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो बेचारा मौत से लड़ रहा है और तुम होके अपनी जिद पर अड़ी हुई। तुम्हारा अहंकार इसकी जान ले लेगा। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, सीन शुरू करते हैं। फिर जहाँ इसे ले जाना ले जाएंगे। ठीक है, राम को हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं आ जाऊंगी। ना सीता जी ना। एक बार धोखा खाने वाले इंसान को लोग बेवकूफ कहेंगे, लेकिन दूसरी बार धोखा खाने वाले को लोग भैरव राज के नाम से पुकारेंगे। यड़ा समझा है? अरे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। Yeah. ये क्या? सीता, सीता तुम रो क्यों रही हो? क्यों क्यों रुला रहे हो मेरी सीता को? मेरी सीता को हाथ मत लगाना। तेरी इतनी हिम्मत सीता को रुलाएगा? राम चलो। कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में मदद करती है। मुझे लगता है तुम मेरी मौत चाहती थी, तभी तो। मेरी पल्स गिर रही है, बैंक यहां से सिर्फ 5 मिनट दूर है। चलो बैंक चलते हैं, तुम जहां बोलोगे मैं साइन कर दूंगा, सब अपने नाम करवा लो, बस तुम खुश रहो।
मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। राम, मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा सीता? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बस बहुत हुआ सीता, उसे दूर रहो। हे चक्रम। हाँ? आराम से बेटी, धीरे से उठना, आराम से, आराम से संभल के बेटा। ठीक हूँ ना? राम कहाँ है? वो लोग उसे वापस ले गए। मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ? 2 हफ्तों से मैम। 2 हफ्तों से? हाँ, एक्सीडेंट वाली जगह से आपको ये यहाँ ले आई। मुझे राम से मिलना। बाहर भैरवराज के आदमी तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, यहाँ से निकलने में खतरा है। मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे राम से मिलना। जाओ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो खुश हो ना तुम? अपनी कड़वाहट और लालच से तुमने एक भले इंसान को मार डाला। सच कहूं तो तुमने इस दुनिया में बची खुची इंसानियत को भी नष्ट कर दिया है। राम ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर क्या गलती थी राम की? सीता सीता हर वक्त बस तुम्हारा नाम जपता रहता था, और तुमने उसके साथ क्या किया? सबके सामने उस पर चाय फेंक दी और कहा कि वो मर जाए। बचपन में तुम्हारी माँ ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था, और आज तुमने उसकी जान ही ले ली। खूब तड़पाया तुम दोनों ने उसे। अब अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर रुकी तो ये पवित्र स्थान भी मैला हो जाएगा। कृपा करके यहाँ से चली जाओ। और कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा यार? बाबा का आदेश है, बैठे रहो। मुझे नहीं करना। राम, राम। बाबा, राम आ रहा है। सीता यहाँ आई थी बाबा, सीता यहाँ आई थी। ये कैसे संभव है बेटा? वो उस एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। नहीं बाबा, सीता जिंदा है, मुझे यकीन है। मैं चलता हूँ। राम, 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 राम,
राम मरा नहीं है, राम जिंदा है। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने राम के चेहरे पर चाय फेंकी थी, ये बाबा को कैसे पता चला? राम नहीं बताया होगा, इसका मतलब राम जिंदा है। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। राम उधर जाओगे तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। सीता को तुमसे कोई मतलब नहीं है राम, उसे बस पैसों से मतलब है। मैं जा रहा हूँ। बाबा इनसे कहिए ना मुझे सीता के पास जाने दे, जाना है, प्लीज बोलिए ना बाबा। 10:30 बज गए हैं राम, तुम्हारी चाय रेडी है? मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे सीता के पास जाना है ना। इन्हें समझाइए ना बाबा। समय हो गया राम। दवाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे सीता चाहिए, समझाइए ना बाबा, मुझे जाना है, प्लीज बाबा, प्लीज सीता के पास जाना है, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, बाबा थैंक यू बाबा। आंखियों में है चेहरा तेरा, मेरे दिलो जान में भी है तू बसी, निंदिया में हो सपनों में तू, मेरे अरमान में भी है तू छुपी। तुम डर क्यों रही हो? मैं तो राम से बात करने आया हूँ। ये अग्रीमेंट कहता है कि एक महीना ये मेरे साथ बिताएगी, लेकिन अब ये मुकर रही है। अब फैसला तुम ही करो। क्या ये सच है? ये सही कह रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ले जाइए इसे। एक महीने बाद वापस छोड़ देना। जाओ सीता। ले जाइए सर, जाओ सीता। लड़के तो इससे जीत नहीं पाया, फिर याद आया कि क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। सीता को मत ले जाओ, अपने भले के लिए। अबे तूने ही तो कहा ले जाओ इसे। जब सीता ने ये साइन किया वो मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। इसे साथ ले गए तो पता है मैं क्या करूंगा? तू ही बता दे क्या करेगा। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब जो श्री राम ने किया था मैं भी वही करूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। चल आ जा, दमे तो ले जा इसे। मेरी बीवी तो क्या, तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी दिखाता हूं तुझे। जीती रहो, हमेशा ऐसे हंसती रहना। कमला चलो आओ, सब अपनी जमीन के कागज ले लो। चल चलो बेटी, आओ आओ जल्दी आओ।